नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एग्रोन कार्टेक चैनल में। आज आप बात करेंगे जो के सीरीज इंजन आता है मारुति का, उसके बारे में, जो सेलेरियो है, वैगनर है, जो भी के सीरीज के पेट्रोल गाड़ियाँ जितने भी आते हैं उसकी टाइमिंग आपको परफेक्ट बताएंगे। एक ही सेल में आपकी गाड़ी चालू होंगी, ये मैं गारंटी के साथ आपको पूरी टाइमिंग डिटेल में बताऊँगा। तो आप आखिर तक वीडियो ज़रूर देखिए। ये सबसे पहले देखिए, ये गाड़ी में लोकल आयल डाल के ये इसकी कंडीशन ख़राब हो चुकी है पूरी। अभी तो सफाई कर दिया, हेड का काम करा था गाड़ी का, पूरा इंजन खोला नहीं था। तो धोखे भी देखिए कितना ख़राब कंडीशन लग रहा है एक कैमशाफ्ट का। इसका पूरा 2 लीटर पेट्रोल से धोया इसको, इंजन को, पूरे ये हेड को। तो इधर से भी देख सकते हैं आप, पूरे गोले निकल रहे थे इसमें से। ये कवर को देख के आप पहचान सकते हैं। इसमें देखिए, अभी ये वॉशिंग सेंटर पे से धो के लाया, फिर भी देखिए कितना रस्टिंग इसमें ऑयल का जम गया है। तो कभी भी मैंने वीडियो डाले हुआ है ऑयल का, जो अपना ओरिजिनल और लोकल ऑयल रहता है उसमें क्या फ़र्क रहता है। लोकल ऑयल में ये कंडीशन इंजन की ख़राब हो जाती है गाड़ी के। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे अगर सर्कुलेशन रुक जाता है गाड़ी का तो पूरा इंजन भी आपका सीज हो सकता है। तो इस पर ध्यान रख के दोस्तों, चलो देखते हैं पूरी टाइमिंग गाड़ी की। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन केम का टाइमिंग देखेंगे, जो केम का टाइमिंग रहता है वो कैसा रहता है के सीरीज का। तो देखिए यहाँ पे 2 डॉट दिख रहे हैं, मैंने इसको थोड़ा साबुन से डॉट मार दिया। अपन कलर से भी मार सकते हैं आप उसको। इसमें गाला आता है डॉट का, ये एरो वाला निशान आता है ऊपर की तरफ दोनों केम का। ये इंटेक का केमशाफ है, ये एग्जॉस्ट का है। इंटेक मतलब इंटेक क्या होता है, जो हवा जिधर से इंजन में आती है उसको इंटेक बोलते हैं। एग्जॉस्ट मतलब जहाँ से बाहर जा रही हवा साइलेंसर में, उसको एग्जॉस्ट बोलते है। तो देखिए इस ये सीट पर भी आपको एग्जॉस्ट लिखे हुआ मिलेगा, देख सकते हैं इसको आप। ये डब्बे भी डालते समय देखिए एग्जॉस्ट और इंटेक किधर से रहता है, आपको साफ मालूम पड़ेगा। तो कैमशाफ्ट का जो टाइमिंग है, ये एरो, इसके नीचे और एक एरो आएगा, ये देखिए नज़दीक ला थोड़ा कैमरा, यहाँ पे एक मार्क आता है नीचे, इसको आपको ज़्यादा देखने का काम नहीं दोस्तों, इसको छोड़ दीजिए आप। ये एरो को बस ये डॉट पर ले लीजिए, जो डॉट आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये डॉट, ये इधर से डॉट है, ये देखिए, ये यहाँ पे जो डॉट आता है इसको देख लीजिए, और इधर का एक डॉट है, इस पर आपको ये एरो मिलाना है। बाद में की जो इसका फोकस चालू करना, ये देखिए दोस्तों, ये जो एरो आता है ये अपना सेम टू सेम ये साइज में रहना चाहिए। जो हेड का जो ये कटिंग है इसके पोजीशन में इसको आना चाहिए सीधा स्ट्रेट। और इधर का भी देख सकते हैं आप, इसको भी आप सीधा ले लीजिए इधर स्ट्रेट में, देखिए ऐसा सीधा स्ट्रेट में लेना है इसको। ये देख सकते हैं मैंने इसको मार्क मारे हुआ है, क्योंकि हुडियो में ऐसा दिखेगा नहीं उसका मार्क दांतों का, तो करके इसको मार्क मार लिया मैंने पहले ही। तो अभी अपन देखेंगे जो क्रैंक का टाइमिंग रहता है उसका। चलिए इधर से ला मोबाइल, जो क्रैंक का टाइमिंग रहता है, जो अपना चाबी का पोजीशन है, ये चाबी यार यहाँ पे जो ये डॉट है इसको भी मैंने थोड़ा सा मार्क किया वाला है, जो वीडियो में अपने को क्लियर दिखने के वास्ते। तो ये चाबी की पोजीशन जो है ऐसे इसको घुमा ले केम को, और देख सकते हैं आप ये चाबी का जो मार्का आता है इसके सामने जो भी दाता है उसके ऊपर ये आना चाहिए स्टेट में ऐसा सीधा। ये चाबी इसके सेंटर में रहना चाहिए क्रैंक का टाइमिंग। तो चलिए दोस्तों अभी चेन इंस्टॉल करते हैं देखा क्रैंक पे। तो दोस्तों ये चेन बिठाते समय कभी भी अपने को एक ध्यान रखना है, जब अपन क्रैंक पे चेन मिलाते हैं पहले, उसके बाद में अपने को जो एग्जॉस्ट की कैमशाफ्ट रहती है उसके ऊपर चेन चढ़ाना है। इधर से टाइट करते जाना है चेन को इस तरफ इंटेक की तरफ,
तो देखिए इस तरह से इंस्टॉलमेंट करना है चेन का, और बाद में ये हड्डा लगाएंगे इसको। तो अभी हड्डी इंस्टॉलमेंट चालू है दोस्तों। पहले इधर की हड्डी अपने को लगाना है आगे वाली, बाद में ये आखिर में ये हड्डी को लगाना है जो पीछे में रहती है लास्ट में। हमारा योगेश अभी हड्डी को लगा रहा करता है उसको। ये डिजायर का कल बताएंगे साला क्यों फटा इसका इंजन। तो टेस्टनर बाद में लगाएंगे, टाइट करो उसको हड्डी को। बैग बस हो फिर पकड़, कैमरा पकड़ दी इधर ला। दोस्तों तो अगर आपने कभी के सीरीज नहीं खोला तो ये स्टेशनर के बारे में हमेशा थोड़ा सा ये रख के, स्प्रिंग का है इसमें की स्प्रिंग रहती है इसमें, एक स्प्रिंग भी आता है कभी कभी उड़ जाता है, तो इसका ध्यान रख के ये जो मुंह रहता है ये देख सकते हैं प्लेन वाला मुंह अपने को अंदर डालना है इसमें स्टेशनर में, बाद में इसको ऐसे बिठाना है इसमें। ये स्टेशनर बिना घुमाए अंदर नहीं बैठेगा, तो इसको ऐसे घुमा के लॉक करना है अंदर की तरफ। तो देखिए दोस्तों अभी चेन इंस्टॉलमेंट हो चुका है अपना। आप ध्यान रखिए कभी भी टाइमिंग गाड़ी का, थोड़ा टाइम लगा तो चलता 10-15 मिनट, टाइमिंग ओके ले ली कोई भी गाड़ी का, क्योंकि आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगा एवरेज में आपकी गाड़ी के स्टार्टिंग में, आपकी गाड़ी के फायरिंग में। तो अभी देख सकते हैं नीचे पता मोबाइल, तो पुल्ली लगा दिया है क्योंकि पुल्ली लगाना ज़रूरी है, नहीं तो जो अंदर का जो क्रैंक का पुल्ली रहता है वो इधर उधर होता है, उससे टाइमिंग घूमता है गाड़ी का। तो आपके तसल्ली के लिए हम अभी सेल मारेंगे गाड़ी का, थोड़ा बहुत ऑयल लगाएंगे इसको चेन को। आप ज़्यादा चालू स्टार्ट मत रखिए गाड़ी को, अगर अपने को स्टार्ट करना है गाड़ी बिना ऑयल की। तो अभी चैम्बर भी लगना बाकी है गाड़ी का, करके इसको टाइपेट को पूरा ऑयल पिलाएंगे पहले थोड़ा बहुत। तो देखिए दोस्तों इसका भी बहुत ही बुरा हाल, जो लोकल ऑयल रहता है उसकी वजह से हुआ है गाड़ी का। ये देख सकते हैं कितना कीचड़ जम गया है ऑयल का, ये सबसे घटिया ऑयल का परिणाम है ये गाड़ी में। तो आप जब भी ऑयल डलवाएं, अच्छा क्वालिटी का ऑयल डाले गाड़ी में, आपके 4 पैसे बचाने के चक्कर में गाड़ी का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये गाड़ी ओवर हीटिंग की वजह से खुल गई आज करके अपने को दिखने में आया कि घटिया ऑयल की वजह से ऐसा हाल होता है ये गाड़ी का। तो अभी सेल मारेंगे गाड़ी का, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं खींचेंगे, आपको ट्रायल नहीं बताएंगे गाड़ी का। अभी साइलेंसर लगना बाकी है, टैपेट कवर लगना बाकी है, एयर फिल्टर लगना बाकी है, थोड़ी सी फायरिंग आपको रफ लगेंगी। अगर 5 सेकंड के अंदर अपनी गाड़ी स्टार्ट होती है तो अपने गाड़ी का टाइमिंग बिल्कुल ओके है, ये आप समझ लीजिए दोस्तों। तो चलो सेल मारो, रुक बैटरी लगा दे मेरे को, तभी ये बैटरी भी दूसरी गाड़ी का है अभी, तो थोड़ा बहुत परेशानी होगा बैटरी में। मार सेल, मार सेल। तो देखिए दोस्तों 3 सेकंड के अंदर अपनी गाड़ी स्टार्ट हो जा रही, मतलब टाइमिंग में कोई भी इशू नहीं है अपने गाड़ी के। तो आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ऐसे नए नए वीडियो आपके लिए मैं लेके आऊँगा, जो भी जानकारी मेरे पास जितनी भी है आपको दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, जय महाराष्ट्र।